जो भी बच्चे अभी वेट कर रहे हैं एनएस में एडमिशन लेने के लिए, या फिर वो अभी 2024 या फिर 2025 सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए ये दोस्तों लागू होता है। जो अभी नई बुक की प्राइस लिस्ट इसके अंदर जारी की गई है, इसके अंदर जो पहले के बुक थे, जो भी पहले की बुक एनएस के थी, उसमें से कोई कोई बुक के प्राइस कम भी है और कोई कोई बुक के प्राइस ज़्यादा भी है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में आपको बताऊंगा मेन मेन बुक के, इसके अंदर मैं आपको सब्जेक्ट के बता दूंगा, जैसे इंग्लिश हिंदी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी तीनों स्ट्रीम के मैं बता दूंगा जो आपके आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स के रहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका प्राइस लिस्ट जारी किया गया है, इसके में दोस्तों आपका जो आपका जो आपने देखा होगा कि आपका नया सिलेबस जो है दोस्तों आपका, वो उसके अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, इसके अंदर नया सिलेबस इसके अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, जो पहले वाला सिलेबस था वो अब नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, पहले वाला जो आपके पास बुक होंगी वो वाली आप दोस्तों आपको नई वाले जो भी अभी है 2024 और 25 सेशन में एडमिशन लिए हैं वो वाली दोस्तों आपको यूज़ नहीं करनी है। क्या पता मार्केट में अभी भी पुरानी वाली बुकें मिल रही होंगी, तो इसलिए दोस्तों आपको एनआईएस की तरफ से ही दोस्तों मंगवानी है। ये जो आपके वेयर हाउस रहते हैं वहाँ पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनआईएस के। ठीक है, वेयर हाउस दोस्तों कहाँ कहाँ के हैं इसके अंदर नोटिफिकेशन में भी बता रखा है, आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों आपको पता चल जाएगा वेयर हाउस दोस्तों कहाँ पे है। दोस्तों इसके अंदर वेयर हाउस गाजियाबाद में है। ठीक है, और उसके बाद शाहिदाबाद में। ठीक है, फिर मोहन नगर में। ठीक है, फिर ये सारे वेयर हाउस से दोस्तों जो एनआईएस के हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके सारे के सारे बुक मिलती हैं, जो भी आपके आप पहले एनआईएस से पहले एडमिशन लेने से पहले दोस्तों जो अप्लाई करते हैं बुक के लिए, वो दोस्तों आपके वेयर हाउस में या फिर स्टडी सेंटर में दोस्तों आपकी डिलीवर की जाती है। ठीक है, पहले आप अपने स्टडी सेंटर में कॉन्टैक्ट करना, उसके बाद अपने एरिया के वेयर हाउस जो हो गए एनआईएस में वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ कि फाइनल रेट लिस्ट रिवाइज ऑन 2/5/2024। ठीक है, इसके अंदर आपको दिख जाएगा बुक के प्राइस। ठीक है, पर सेट इन रुपीस। ठीक है, और दोस्तों इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों हैं। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं और ये सीरियल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर इंग्लिश की बात करूँ तो 201 सब्जेक्ट कोड। ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों आपकी हिंदी मीडियम है। ठीक है, नॉर्मल सी इसके अंदर 260 रुपये आपकी रखी गई है बुक की प्राइस। ठीक है, इंग्लिश की बात करूँ दोस्तों इंग्लिश मीडियम की, इंग्लिश की दोस्तों इसके अंदर 295 है दोस्तों इसके अंदर आपकी प्राइस रखी है, यानी बहुत ज़्यादा हाई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके अंदर यह है कि आपका नया जो आपका सिलेबस है वो इसके अंदर ऐड किया गया, तो आपको जरूर खरीदनी पड़ेगी दोस्तों, कंपलसरी हो जाती है एक तरीके से। अभी मार्केट में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अगर नई वाली आ गई हो तो आप दोस्तों सपोर्टिंग गाइड भी खरीद सकते हो, उससे भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप अपना न्यू वाला सिलेबस चेक कर लेना उसके अंदर है कि नहीं है। ठीक है, बाकी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं इनके भी प्राइस दे सकते हैं। ठीक है, जो भी अगर आप लैंग्वेज लेना चाहे। अब बात करते हैं दोस्तों आपके मैथ की। ठीक है, मैथमेटिक इंग्लिश उर्दू मल्या में बस दो की बात करूँ, एक इंग्लिश एक हिंदी की, 457 से 480। ठीक है, यानी जो इंग्लिश वाली की है दोस्तों वो आपकी दोस्तों कम है, 457 है, और जो हिंदी मैडम वाले होंगे मैथ के उनके 480 है। ठीक है, उनकी भी ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे चलते दोस्तों आपकी साइंस की। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें हिंदी मीडियम की बात करो दोस्तों 596 रुपये, इंग्लिश वाले की बात करो तो 564। जैसे मैं आपको बताया था पहले भी, इंग्लिश जो मीडियम है उनकी थोड़ी हल्की फुल्की प्राइस कम है, बाकी हिंदी वाले के लिए दोस्तों ज़्यादा है, इसके अंदर प्राइस दे सकते हैं 600, लगभग 600 तक पहुँच गई आपकी बुक। ठीक है, इसके अंदर उसके बाद दोस्तों सोशल साइंस की बात करें। ठीक है, सोशल साइंस की जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके 369 रुपये, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके 370 रुपये। ठीक है, 71 रुपये मान लो। उसके बाद ये लैंग्वेज के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों आपका आ जाता है दोस्तों इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके दोस्तों 169। ठीक है, ये तो चलो ठीक है प्राइस, हिंदी का भी 181 है। ठीक है, ये तो ठीक लगा मुझे। ठीक है, बाकी सबके प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। बिजनेस स्टडीज़ की बात करो दोस्तों आपकी हिंदी मीडियम वाले की और इंग्लिश मीडियम वाले की, इंग्लिश की बात करो 193 और हिंदी मीडियम की 195 है। ठीक है, होम साइंस बहुत सारे बच्चे होम साइंस भी लेते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले होम साइंस की बात करो 329 है, और दोस्तों अगर आपकी इंग्लिश वाले मीडियम की बात करो तो देख सकते हैं आपकी इंग्लिश वाली है, इसके दोस्तों प्राइस आपकी 295 रुपये है। ठीक है, फिजिकोलॉजी भी बहुत सारे बच्चे लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले के बाद 204 रुपये है। ठीक है, और इंग्लिश वाली ये इंग्लिश वाली आपकी इंग्लिश वाले की दोस्तों आपकी 183 रुपये। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपकी अकाउंटेंसी आ जाता है। ठीक है, अकाउंटेंसी में इंग्लिश वाले मीडियम की बात करो तो आपकी दोस्तों 167 रुपीज़ है,
यानी ठीक ही है प्राइस, उतनी भी ज़्यादा आपके हाई नहीं है। उसके बाद पेंटिंग सब्जेक्ट भी बहुत लेते हैं, जो बच्चे 10th में रहते हैं फिर 12th में रहते हैं, सिर्फ उनको 10th 12th की डिग्री चाहिए होती है, वो पेंटिंग भी लेते हैं 130 रुपये। हिंदी मीडियम वालों की भी 130 है, यानी दोनों की एकदम सेम ही है, ठीक है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी बहुत सारे बच्चे लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश थ्योरी की बात करो तो दोस्तों, यानी आपकी इंग्लिश पूरी की 182 रुपये, ठीक है। इसके अंदर आपकी बहुत अच्छी प्राइस है, यानी नॉर्मल है ये भी 182। उसके बाद दोस्तों आपकी हिंदी मीडियम वाली डेटा ऑपरेटर की बात करूँ तो इसके ना 110 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपके कौन और कौन से सब्जेक्ट रहते हैं जो बच्चे लेते हैं, इसके अंदर दोस्तों मैंने इंग्लिश हिंदी की आपकी सबको बता दी है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की भी आपके देख लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स वाले की बात करो हिंदी मीडियम वालों की तो दोस्तों 561 रुपये हैं, ठीक है, फिजिक्स वालों की। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों की बात करो तो दोस्तों आपकी इंग्लिश वाले की 541 रुपये, ठीक है, फिजिक्स वाले के देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, केमिस्ट्री वालों के दोस्तों देख सकते हैं 553 रुपीज, ठीक है, यानी 553 रुपीज आपकी प्राइस है ये। और हिंदी मीडियम वालों की बात करो दोस्तों 578 रुपीज है, ठीक है, केमिस्ट्री वालों की। अब बायो में देख लेते हैं, बायो में आपकी हिंदी मीडियम वालों की बात करो तो दोस्तों आपकी 496 है, इंग्लिश मीडियम वाले की बात करो तो 455 है, ठीक है। अब आपकी आ जाती है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हिंदी मीडियम वाले 360 रुपये, ठीक है, हिस्ट्री अगर आपने इंग्लिश मीडियम वाले तो 263 रुपये लगभग दोस्तों। इसके अंदर आप प्राइस सारे के सारे देख सकते हैं, पॉलिटिकल की देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारे के सारे लगभग बता दिया, अगर आपको ये सारे के सारे वो चाहिए होगी, इसका PDF चाहिए होगा तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अपने सब्जेक्ट आपको लेना होगा या फिर आप चूज करना चाहते हैं या फिर लेके पहले से रख चुके हैं, तो अगर आपको नया सिलेबस वाले में से पढ़ना है तो आप देख सकते हैं आपके बुक की प्राइस कितनी कितनी दी गई है इसके अंदर। ये वाली आपकी फाइनल बुक की प्राइस है, तो यही आपकी रहने वाली है आगे तक चल गई, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप बुक अपना देख के खरीदना अपनी नई वाली सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसी में से आपका एग्जाम आएगा सारा का सारा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।